Hello students, this is Manoj Sonkar. Sir, I welcome you to the channel Path to Success. ये जो मेरा वीडियो है ये यूनिट 3 सोशल इंस्टीट्यूशन टॉपिक का पार्ट 2 है, यानी कि अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। अगर ये दोनों वीडियो आप देख लेते हैं, दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं जो भी दोनों वीडियोज में मैंने दिए हैं, तो मेरा ये मानना है कि सोशल इंस्टीट्यूशन टॉपिक आपका अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप लोगों को क्या करना है कि जो चार ऑप्शंस दिए हैं उन चारों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इस बात का आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से क्या होता है, जो मैं ये टेस्ट लेता हूँ इनका मैं 3-4 दिन पहले डेट दे देता हूँ कि इस डेट को ये टेस्ट होगा, तो वो 3-4 दिन का जो गैप होता है उसमें आपकी प्रिपरेशन का आपको टाइम मिल जाता है, तो आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके इन टेस्ट को दे पाते हैं। और जब ये वीडियो अपलोड होते हैं तो ये सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड होते हैं, और जब मैं इनका आंसर अपलोड करता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो भी मैं इन्फॉर्म करता हूँ सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में, यानी कि 24 आवर्स के बाद, इस वीडियो के अपलोड होने के बाद मैं इसका आंसर प्रोवाइड करता हूँ। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले खुद मेहनत करें और देखें कि उनका कितना स्कोर जा रहा है, और फिर जब आप लोग वो स्कोर ग्रुप में शेयर करते हैं तो उससे लोगों में कॉम्पिटिशन की भावना आती है और आप लोग अच्छी तरह से अपनी अपनी पढ़ाई करते हैं, जिसका कि आपको पॉजिटिव आउटकम देखने के लिए मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में, और जब आपका रिजल्ट आता है तो आप लोगों को खुशी मिलती है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे ही चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं जो कि बहुत सक्सेसफुली रन की जा रही हैं पिछले 4 साल से, ठीक है। हम लोग 100% रिजल्ट मेंटेन किए हुए हैं, तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7838517884 पर मैसेज करना होगा, या आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 9911027011 पर। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 2 ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 से। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन, यानी ये असर्शन और रीजन से रिलेटेड है। यहां पे असर्शन है, कस्टम्स आर मोर इंपॉर्टेंट इन लेस डेवलप्ड सोसाइटीज। रीजन है, एज सोसाइटीज बिकम कॉम्प्लेक्स एंड डेवलप्ड दे आर टू लूजन देयर होल्ड एंड आर देयर फॉर रिप्लेस्ड बाय लॉज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब आप लोगों को दिए गए कोड में से सही आंसर सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 30, हु कॉइंड द टर्म इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, बी है विलियम स्टैनली जेवांस, सी है ई ए ग्रॉस, डी है हेनरी एम जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 31, एलिन हिल्डरब्रांड क्लासिफाइड इकोनॉमिक सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट है बार्टर, सेकंड है मनी, थर्ड है कंजम्पशन, फोर्थ है क्रेडिट। तो नीचे कोड्स दिए हैं मैंने, आपको सही आंसर सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 32, कार्ल पोलियानी एन इकोनॉमिक हिस्टोरियन हैज आइडेंटिफाइड 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ एलोकेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सचेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। ए है रेसिप्रोसिटी, बी है रीडिस्ट्रीब्यूशन, सी है मार्केट एक्सचेंज, डी है बार्टर। क्वेश्चन नंबर 33, बी मेलिनोस्की स्टडीड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ विच रीजन। ए द कुला ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, बी द लोवेंडू ऑफ साउथ अफ्रीका, सी द पोटलाच ऑफ नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, डी है द यरूबा ऑफ नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस बाय विच पार्ट्स ऑफ द मिडिल क्लास बिकम इफेक्टिवली एब्जॉर्ब्ड इनटू द वर्किंग क्लास, यानी उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें कि जो मिडिल क्लास होता है, यानी अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में जो मिडिल क्लास होता है, वो इफेक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाता है वर्किंग क्लास के द्वारा, यानी कि लोअर क्लास जो है वो मिडिल क्लास को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ए एम्बर्जोसीमेंट, बी प्रोलिटेरियनाइजेशन,
सी एलिनेशन, डी होमोजेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 35, द इंट्रा ट्राइबल इकोनॉमिक रिलेशंस आर मोस्टली बेस्ड ऑन ए शेल इकोनॉमी, बी जजमानी सिस्टम, सी बार्टर एंड एक्सचेंज, डी स्टोन मनी। क्वेश्चन नंबर 36, द इंस्टीट्यूशन ऑफ जजमानी सिस्टम इंप्लाइज, फर्स्ट है द फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस ऑफ कास्ट्स, सेकंड है एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, थर्ड है द प्रिंसिपल ऑफ सोशल रेसिप्रोसिटी, फोर्थ है स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। तो नीचे मैंने कोड दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि जजमानी सिस्टम के लिए कौन से स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। ठीक है, एक तरफ लिस्ट वन दिया हुआ है, एक तरफ लिस्ट टू दिया हुआ है, इनको आपको मैच करके सही कोड बताना है, यानी कि सही आंसर बताना है। ए है लिस्ट वन में थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास, बी है सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स, सी है अडेप्टिव कल्चर, डी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लिस्ट टू में थिंकर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे वन है टी वेबलिन, सेकेंड है माल्थस, थर्ड है ऑगबॉर्न, फोर्थ है डार्विन और फिफ्थ है परेटो। तो सही कोड आपको देखना है कि कौन सा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स, फर्स्ट है फिक्स्ड स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ डिफरेंट ऑफिसेस, सेकंड है करिज्मेटिक अथॉरिटी, थर्ड है इम्पर्सनैलिटी, फोर्थ है रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन मेरिट। विच ऑफ दीज आर टिपिकल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो मैंने आप ऊपर फीचर्स बताए हैं ये कौन कौन से फीचर्स ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, ये आपको बताना है। नीचे कोड्स दिए हैं, आपको सही कोड सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 39, अ लेजिटिमेट राइट टू गिव सर्टेन ऑर्डर्स और कमांड इज कॉल्ड एज, ए है पावर, बी है अथॉरिटी, सी है इन्फ्लुएंस, डी है कोहेजन। क्वेश्चन नंबर 40 में फिर से मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू है, एक तरफ लिस्ट वन में कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं और लिस्ट टू में उनका एक्सप्लेनेशन है। तो लिस्ट वन में ए है क्लास, बी है स्टेटस ग्रुप, सी है एस्टेट, डी है रेस रिलेशंस। लिस्ट टू में एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, फर्स्ट है पॉलिटिकली सैंक्शन, सेकंड है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड है लाइफ चांसेस, फोर्थ है लाइफ स्टाइल। नीचे कोड्स दिए हुए हैं, आपको इनको मैच करके सही कोड सिलेक्ट करके आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 41, मैच लिस्ट वन जिसमें कि इंस्टीट्यूशन दी हुई है विथ लिस्ट टू जिसमें पीपल दिए हुए हैं, आप लोगों को इन दोनों अनमैच्ड लिस्ट्स को मैच करके सही कोड सिलेक्ट करके बताना है। लिस्ट वन में इंस्टीट्यूशन है, सबसे पहला है ए, उसमें है पोटलाच, बी है गैना, सी है कुला, डी है प्रातिक। लिस्ट टू में पीपल दिए हुए हैं, फर्स्ट है नागा, सेकेंड है टॉब्रियंडर्स, थर्ड है हैथियांस, फोर्थ है क्वाक्तल, फिफ्थ है जावानीज। क्वेश्चन नंबर 42, क्रोनी कैपिटलिज्म इज डोमिनेटेड बाय ए मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, बी पावरफुल बिजनेस फैमिलीज, सी पार्टनरशिप कंपनीज, डी ग्रुप ऑफ पावरफुल लैंड ओनर्स प्रैक्टिसिंग मैकेनाइज्ड फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 43, हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इकोनॉमी, ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, बी है नील स्मेलसर, सी है इमाइल दर्खाइम, डी है मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 44, यहां पर भी लिस्ट वन दी हुई है, लिस्ट टू दी और लिस्ट टू दिया हुआ है। लिस्ट वन में है कैटेगरीज, लिस्ट टू में है स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, दोनों को मैच करके सही कोड आपको सिलेक्ट करके बताना है। लिस्ट वन में ए है एग्रीकल्चर, बी है इंडस्ट्रियल, सी है पास्टोरल, डी है हंटिंग। लिस्ट टू में है स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें फर्स्ट है फर्स्ट, सेकंड है थर्ड, थर्ड है सेकंड, फोर्थ है फोर्थ। तो सही कोड आपको सिलेक्ट करके आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 45, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन विच ही डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप जिस किसी ऑथर ने अपनी बुक द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिस्कस किया है उसका नाम आपको बताना है। तो ए है एडम स्मिथ, बी है के शुमपीटर, सी है टी वेबलिन, डी है हेनरी बेवरमैन।
क्वेश्चन नंबर 46, हु हैज डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डी स्किलिंग इन हिज बुक लेबर एंड मोनोपोली कैपिटल। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि लेबर एंड मोनोपोली कैपिटल के ऑथर कौन है जिन्होंने डी स्किलिंग का कॉन्सेप्ट भी दिया है। तो ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, बी है के शुमपीटर, सी है टी वेबलिन, डी है हेनरी बेवरमैन। क्वेश्चन नंबर 47 है द कॉन्स्टेंट सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज डिस्कस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। ए है मैक्स वेबर, बी है टेलकॉट पार्सन, सी है हेनरी बेवरमैन, डी है एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 48, हु हैज डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्चीज। ए है वी परेटो, बी है जी मॉस्का, सी है आर मिशेल्स, डी है रॉबर्ट ए डाल। क्वेश्चन नंबर 49, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वॉज ऑथर्ड बाय। ए है स्टालिन, बी है कार्ल मार्क्स, सी है लास्की, डी है जॉर्ज बर्नार्ड शाह। क्वेश्चन नंबर 50, मैनोरियल सिस्टम ऑफ इकोनॉमी इन इंग्लैंड इंप्लाइड। ए कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय द ओनर देमसेल्व्स, बी स्मॉल स्केल कल्टीवेशन, सी फ्यूडल सिस्टम दैट इज लॉर्ड एम्प्लॉइंग लेबरर्स, डी इंडस्ट्रियल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूसो इज करेक्ट। ऑप्शन ए है ही परफेक्टेड द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी है ही रेपुडिएटेड द थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल टूगेदर, सी है ही ट्रांसफॉर्म्ड द थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू एन आइडियलिस्टिक मोड ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स, डी है ही एडेड नथिंग टू द थ्योरीज ऑफ हॉब एंड लॉक बियॉन्ड कंबाइनिंग देयर व्यूज। क्वेश्चन नंबर 52, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड डेमोक्रेसी एज द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। ए है रूसो, बी है टॉकियाविले, सी है जॉन डनिंग, डी है जेम्स मैडिसन। क्वेश्चन नंबर 53, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया। ऑप्शन ए है एम एन रॉय, बी है जय प्रकाश नारायण, सी है आचार्य नरेंद्र देव, डी है राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 54, द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इलाइट इज कनेक्टेड विथ। ऑप्शन ए है परेटो, बी है मॉस्का, सी है सी डब्ल्यू मिल्स, डी है जेम्स बरहम। क्वेश्चन नंबर 55, द एलिटिस्ट थ्योरी होल्ड दैट द पावर इज ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ए प्रीस्टली क्लास, बी मिलिटरी क्लास, सी सिविल सर्वेंट्स, डी अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 56, हु ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स ट्राइड टू कंबाइन द इलिटिस्ट थ्योरी विथ मार्क्सिज्म। ए है रॉबर्ट मिशेल, बी है जेम्स बरहम, सी है विल्फ्रेड परेटो, डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 57, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द व्यू दैट फैमिली इज एन आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस इन एन एक्सप्लॉइटेटिव सोसाइटी। ठीक है, किसने कहा था कि फैमिली एक आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस की तरह बिहेव करती है जहां पर सोसाइटी किस टाइप की होती है, एक्सप्लॉइटेटिव टाइप की होती है। ए है डेविड कूपर, बी है आर.डी. लियांग, सी है फ्रेडरिक एंजल्स, डी है एडमंड लीच। तो स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि इनका आंसर्स कब मिलेगा, तो इसका आंसर्स अभी से ठीक 24 आवर्स के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर नहीं हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7838517884 पर मुझे मैसेज करना होगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 9911027011 पर। तो
ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।